बता दें शिमला से बड़ी खबर है, जहां पर जिला परिषद कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। सोमवार से काम पर लौटेंगे कर्मचारी। 22 दिनों से चल रही थी हड़ताल, अब सरकार से आश्वासन मिलने पर हड़ताल वापस ली गई है। आगामी बजट सत्र से पहले मानी जाएंगी तमाम मांगे, सरकार ने यह आश्वासन दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जिला परिषद कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। सोमवार से काम पर लौटेंगे कर्मचारी। 22 दिनों से चल रही थी हड़ताल और अब सरकार से आश्वासन मिलने पर हड़ताल वापस ली गई है। आगामी बजट सत्र से पहले मानी जाएंगी तमाम मांगें। और इस पर और बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता रणवीर सिंह शिमला से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो यही है कि 22 दिनों से जो हड़ताल चल रही थी जिला परिषद कर्मचारियों की, कहा जा रहा है कि वो हड़ताल खत्म हो गई और अब ये कर्मचारी काम पर लौटेंगे। जी हाँ, देखिए आज भी जो बैठक हुई है करीब एक घंटे तक, जो पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह, उनके साथ इनकी बैठक चली है, लंबी वार्ता हुई है। मंत्री के साथ बैठक के बाद जो यहाँ पर जो कर्मचारी संघ के जो पदाधिकारी यहाँ पर तमाम जिलों के यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने आपस में मंत्रणा की। करीब जो है आधे पौने घंटे तक उन्होंने आपस में बैठक की। उसके बाद ये तय किया गया कि जो ये 22 दिनों से जो हड़ताल चली आ रही है उसको कॉल ऑफ किया जाए। तो थोड़ी देर पहले ही इसका जो है ऐलान किया गया है और इस मामले में अभी थोड़ी देर में जो पंचायती राज मंत्री है अनिरुद्ध सिंह, वो भी अपनी बात रखेंगे। और बड़ी बात इसमें ये है कि आश्वासन राज्य सरकार की तरफ से दिया गया था और पहले भी मुख्यमंत्री भी कहते रहे और पंचायती राज मंत्री भी ये कहते रहे कि उनके वो जो है पक्ष में है कि पंचायती राज जो जिला परिषद कैडर कर्मचारी हैं उनके जो मांगे हैं वो जायज है, सरकार भी चाहती है कि उनकी मांगे जो है पूरी होनी चाहिए। लेकिन अभी जो समय है वो आपदा का समय है, राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में जो है थोड़ा इंतजार करना होगा, तो उसको लेकर लंबी चर्चा यहाँ पर हुई है। तो बड़ी जो पहली और प्रमुख मांग इनकी ये थी कि इन्हें जो है विभाग में विलय किया जाए, चाहे वो पंचायती राज विभाग हो चाहे फिर वो ग्रामीण विकास विभाग में इनका विलय होना चाहिए। तो उस वो मांग जो है पूरी कर ली जाएगी, ये जो आश्वासन यहाँ मंत्री की तरफ से दिया गया है। और जो संशोधित वेतनमान समेत जो अन्य मुद्दे हैं, जो सिक्स पे कमीशन का मुद्दा है, उसको वो जो मांगे हैं वो पूरी करने का भी आश्वासन दिया गया है। और एक और बैठक अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ इन कर्मचारी नेताओं की 30 अक्टूबर को होनी तय हुई है, उसमें विस्तार से इस पर जो है चर्चा होगी। फिलहाल एक बड़ी खबर, राहत की खबर सरकार के लिए भी, क्योंकि आज ही मुख्यमंत्री ने कुल्लू से जो आपदा राहत पैकेज है उसके तहत जो धनराशि प्रभावित परिवारों को मिलनी है उसका वितरण मुख्यमंत्री ने किया है। तो उसको देखते हुए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करें तो पंचायत स्तर पर यही जो जिला परिषद कैडर के कर्मचारी हैं उनके तहत अधिकतर काम होने हैं। प्रदेश में 3615 जो पंचायतें हैं उनमें काम जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हो रहा था। अब ऐसे में एक राहत यहाँ पर न केवल सरकार के लिए बल्कि इन कर्मचारियों के मन में कुछ संशय थी। शुरुआत में ये जानकारी आई कि जो पदाधिकारी यहाँ पर जो आपस में मंत्री से जो इन्होंने बैठक की है यहाँ पर जो कुछ तय हुआ उसको लेकर आपस में मंत्रणा की गई, सिर्फ कुल्लू जिला जो है वो अड़ा हुआ था अपनी मांगों को लेकर, लेकिन बाद में ये सहमतियां बन गई है। रणवीर, ये एक राहत की खबर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सरकार के लिए तो एक बड़ी राहत की खबर है ये, और इससे पहले भी सीएम सुक्खू ने कहा था कि ये वक्त हड़ताल करने का, अपनी मांगों को लेकर अड़ने का नहीं है, बल्कि ये आपदा का वक्त चल रहा है, सरकार अभी जो पीड़ित हैं आपदा से उनकी मदद के लिए आगे बढ़ रही है, ऐसे में ये वक्त कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर अड़ने का नहीं है।
इस पर सरकार जरूर गौर करेगी, सरकार फोकस करेगी, लेकिन पहले आपदा की जो घड़ी है इससे सरकार को उबरना होगा और उसके बाद जो मांगे हैं एक तरह से उस पर देखा जाएगा। तो ये बयान भी इससे पहले सीएम का आया था। जी हाँ, मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये कहा गया था, मंत्री की तरफ से भी बार बार यही कहा गया कि ये वक्त जो है इस वक्त ठीक नहीं है, क्योंकि आपदा का समय चला है, राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है। जहां जहां मुख्यमंत्री गए, जहां जहां पंचायती राज मंत्री गए हैं, वहां पर हड़ताली कर्मचारियों ने अपनी मांगे रखी हैं, बात इनसे की है और बार बार यही राज्य सरकार की तरफ से कहा गया। और वर्तमान में जो सरकार का जो पूरा ध्यान है वो आपदा के बाद जो हालात पैदा हुए हैं, पुनर्वास का कार्य है, उसमें जो है बहुत सारा धन खर्च होना है, विशेष पैकेज सरकार ने जारी किया है। तो ऐसे में अभी जो हिमाचल की जो आर्थिक स्थिति है वो भी अभी इसकी इजाजत नहीं देती कि कोई और खर्चा जो है राज्य सरकार वहन करे। सबसे पहले जो प्रभावित परिवार है उन तक मदद पहुंचाना है। जी रणबीर, जो इनकी एक मांग थी, विलय की मांग थी, पंचायती राज में ये विलय की मांग कर रहे थे और ये कह रहे थे कि विभाग में विलय हमारा होगा और यही हमारा नारा है और जब तक हम एक तरह से नहीं हटेंगे। खैर, सरकार से क्या बातचीत हुई और किस बातचीत को लेकर सहमति बनी है, तमाम चीजें तो निकल कर आएंगी, लेकिन जो एक ये था कि विभाग में विलय को लेकर इनके अंदर एक नाराजगी थी, इस पर क्या कुछ कहना इन कर्मचारियों का? जी हाँ, वही इनकी प्रमुख मांग थी। इस पर जो है विस्तार से कई दौर की जो बैठक है जो पंचायती राज मंत्री अनुरित सिंह उनके साथ हुई है, इस बारे में थोड़ी देर में जो पंचायती राज मंत्री हैं वो खुद इसके बारे में खुलासा करेंगे कि क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ आश्वासन इन्हें दिया गया है। अब बिल्कुल रणवीर, क्योंकि अब आने वाली एक बैठक 30 अक्टूबर को होगी, जिसका आपने भी जिक्र किया और आपने बताया है कि 30 अक्टूबर को एक और बैठक होगी, कर्मचारी संघ भी इसमें शामिल होंगे, अधिकारी इसमें होंगे, मंत्री के साथ ये बैठक होगी और उस बैठक में भी इसी इशू को लेकर एक तरह से चर्चा की जाएगी। तो क्या ये मानकर चला जाए कि 30 अक्टूबर की जो बैठक है वो इस सिलसिले में बहुत इंपॉर्टेंट होगी? जी शायद ऐसा लगता है, संभावना यही है कि जो 30 अक्टूबर की बैठक होगी, इनकी जो मांगे हैं, जो आश्वासन राज्य सरकार की तरफ से दिया गया है, उसमें शायद लिखित में कुछ चीजें सामने आएंगी, जो इनके मर्जर का मुद्दा है, जो संशोधन वेतन मान का है, सिक्स पे कमीशन का है, उस पर शायद ऐसा अभी कहा जा सकता है कि लिखित में कुछ आ सकता है। जी बिल्कुल रणवीर, क्योंकि अब आने वाले मंडे से मान के चला जाए, क्योंकि आज शनिचर है, फिर कल संडे इतवार और उसके बाद मंडे से काम शुरू होगा, तो ये कर्मचारी मंडे से काम पर लौटेंगे। और दो तीन चीजें यहां पर रणबीर और हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि राज्य सरकार की तरफ से आपदा राहत राशि जो बांटी जाएगी उसमें भी एक बड़ी भूमिका ये कर्मचारी निभाने वाले हैं, तो ऐसे में सरकार के लिए दोहरी एक तरह से ये राहत की खबर है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो है ये जो है लगातार सरकार के मंच में यह सवाल था कि पंचायत स्तर पर जो कार्यक्रम होने हैं जी वो किस तरह से यहाँ पर चलेंगे। तो चलिए, हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे और हमें जानकारी दे रहे थे। आपको बताते चलें कि जिला परिषद कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हुई है, सोमवार से काम पर कर्मचारी लौटेंगे। 22 दिनों से यह हड़ताल चल रही थी, तो सरकार के लिए भी एक बड़ी राहत की खबर है और सरकार से आश्वासन मिलने के बाद ही यह हड़ताल खत्म की गई है। लेकिन जिस तरह से हमारे सहयोगी रणबीर हमें शिमला से बता रहे थे कि 30 अक्टूबर को एक और बैठक होगी, इस बैठक में खुद मंत्री मौजूद होंगे, कर्मचारी संघ इसमें मौजूद होंगे और अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद होंगे और इस बैठक में और भी चर्चा इस इशू पर की जाएगी। आपदा और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये बड़ा फैसला एक तरह से लिया गया है। तो 22 दिनों से चल रही हड़ताल वापस लेने का फैसला लिया है कर्मचारियों ने। सरकार ने आश्वासन दिया है कि आगामी बजट सत्र से पहले तमाम जो मांगे हैं कर्मचारियों की मांगी जाएंगी। पंचायती राज मंत्री अनुरित सिंह से बैठक के बाद हड़ताली कर्मचारियों ने यह बड़ा फैसला लिया है और 22 दिन से चली आ रही यह हड़ताल वापस ली है। सरकार ने बाकायदा आश्वासन दिया है, यकीन दहानी कराई है कि जो भी आपकी मांगे हैं वो मांगे पूरी की जाएंगी और उसके बाद ही ये जो हड़ताल पर बैठे हुए थे
उनकी हड़ताल अब एक तरह से वापस हुई है। इन हड़तालियों की एक बड़ी जो मांग थी वो विलय की थी कि विभाग में इनका विलय किया जाए और उसके बाद ही ये अपनी मांगों से एक तरह से हटेंगे। और चलिए हमारे सहयोगी रणबीर एक बार फिर से शिमला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणबीर, जो सवाल मेरा था कि सरकार के लिए दोहरी राहत की खबर है, एक तो कर्मचारी अब काम पर लौटेंगे, दूसरे की जो राज्य सरकार आपदा राहत राशि जो बांट रही है हर जगहों पर जाकर, वहां भी इन कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, ये राहत की खबर ना केवल सरकार के लिए है क्योंकि बहुत सारे काम जो है पंचायतों में नहीं हो रहे थे, आपदा के साथ 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 जो दैनिक कार्य होते हैं वो भी नहीं हो रहे थे, वो भी जो है ठप पड़े हुए थे। एक तो वो काम भी होगा, आपदा के तहत जो जो पैकेज घोषित किया गया उसके तहत जो सरकार ने घोषणाएं की है उसको भी धरातल पर अमलीजामा जो है वो पहनाया जाएगा। और दूसरी राहत की खबर इन हड़ताली कर्मचारियों के लिए भी है कि लंबे समय से इनकी मांगे थी और एक आश्वासन यहाँ पर जरूर यहाँ पर मिला है, खासकर जो इनकी प्रमुख जो सबसे बड़ी मांग थी जो ये चाह रहे थे, ये कह रहे थे कि राज्य सरकार केवल अगर अधिसूचना भी जारी कर दे इस मामले में कि जो ये जिला परिषद कैडर कर्मचारी हैं इन्हें या तो पंचायती राज विभाग में विलय किया जाए या फिर ग्रामीण विकास में किया जाए, किसी ना किसी विभाग में इनका विलय किया जाना चाहिए। और इसको लेकर अगर राज्य सरकार की तरफ से अधिसूचना ही जारी कर दी जाए, भले ही कोई और बेनिफिट इन्हें ना मिले, तो एक ये आश्वस्त हो जाएंगे अपने भविष्य के प्रति कि जिस तरह से जो अन्य सरकारी कर्मचारी हैं उनको अधिक लाभ मिल रहे थे और इन्हें कम मिल रहे थे। जो डीए की अगर हम बात करें, जो संशोधित वेतनमान की बात करें, सिक्स पे कमीशन की बात करें, तो इसके तहत जब हमारी कर्मचारियों से बात हुई थी, जो पंचायत सेक्रेटरी हैं, पंचायत सचिव हैं, उनमें से प्रति कर्मचारियों को प्रति माह 10 से 20 हजार तक का नुकसान यहाँ पर हो रहा था। और बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी जो है प्रमोशन भी रुकी हुई थी। अब थोड़ी देर में कैबिनेट मंत्री जो पंचायती राज मंत्री हैं वो थोड़ी देर में अब भी जो है ब्रीफ करेंगे। जी तो बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए रणवीर, दोबारा से आपके पास लौटेंगे और इस पूरी जो हड़ताल खत्म हुई है सरकार के लिए एक राहत की खबर है। 22 दिनों के बाद ये हड़ताल खत्म हुई है और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पंचायती राज मंत्री अनुरुद्ध सिंह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद करेंगे और कर्मचारियों से इस वक्त मिल रहे हैं, जो हड़ताली कर्मचारी हैं उनसे लगातार बात यहां पर हुई है अनिरुद्ध सिंह की। और आपको बताते चलें कि इस पूरे मामले में इनका बहुत बड़ा एक तरह से रोल रहा है और उन्होंने जो नाराज कर्मचारी थे, जो हड़ताली कर्मचारी थे, उनको मनाने में एक कामयाबी एक तरह से हासिल की। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि कुछ देर में पंचायती राज मंत्री खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये जो हड़ताल खत्म हुई है क्योंकि सरकार के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, ऐसे में इस पर पंचायती राज मंत्री इसकी जानकारी भी साझा करेंगे और इस बारे में बताएंगे क्योंकि 30 अक्टूबर को फिर एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें खुद पंचायती राज मंत्री शामिल होंगे, कर्मचारी संघ के जो पदाधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल होंगे और उसके बाद तमाम चीजें एक तरह से साझा की जाएंगी। लेकिन आज जो ये बैठक खत्म हुई है, जिला परिषद कर्मचारियों की जो हड़ताल है ये खत्म हुई है, इस हड़ताल के खत्म होने के कई माने एक तरह से निकाले जा रहे हैं, सरकार के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। कर्मचारी जो अपनी मांगों पर डटे हुए थे, 22 दिन गुजर गए थे उसके बाद अब यह हड़ताल खत्म हुई है और कहा यह जा रहा है कि सोमवार से ये कर्मचारी जो हैं काम पर लौटेंगे। 22 दिनों से चल रही थी हड़ताल सरकार की और उसके बाद आज एक तरह से सरकार से आश्वासन मिलने के बाद यह हड़ताल वापस ली गई है। और खास बात यह है कि आगामी बजट सत्र से पहले तमाम मांगें मानी जाएंगी, सरकार ने ऐसा आश्वासन दिया है। सरकार ने कहा है कि तमाम चीज़ों पर एक तरह से गौर फिक्र की जाएगी, मंथन किया जाएगा और उसके बाद जो कुछ मांगे जिला परिषद कर्मचारियों की हैं इनकी मांगों पर एक तरह से मंथन करेंगे और इनकी जो मांगे हैं वो एक तरह से पूरी की जाएंगी। तो जिला परिषद कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है, सोमवार से काम पर ये कर्मचारी लौटेंगे। 22 दिनों से चल रही थी हड़ताल,
सरकार से आश्वासन मिलने के बाद ये हड़ताल अब वापस ली गई है, क्योंकि विभाग में विलय को लेकर लगातार ये जो कर्मचारी थे वो हड़ताल पर बैठे हुए थे, सरकार से काफ़ी नाराजगी थी, लेकिन अब सरकार से आश्वासन मिलने के बाद ही हड़ताल वापस ली गई है। 30 अक्टूबर को यानी आने वाले एक हफ्ते के बाद फिर एक अहम बैठक होगी जिसमें पंचायती राज मंत्री खुद शामिल होंगे और कर्मचारी संघ के जो पदाधिकारी हैं वो भी शामिल होंगे और उनके बीच में फिर एक बैठक होगी और इस बैठक में तमाम चीज़ें तय की जाएंगी। मंथन होगा कि जो इनकी मांगें हैं इन मांगों को किस तरह से एक तरह से पूरा किया जाए।